हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईयू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया। भारत में जनरल इंश्योरेंस का क्या इतिहास रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे। जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, और कैसे कैसे इसमें परिवर्तन आते गए। आइए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया। शुरुआत हुई 1850 में। अब 1850 में क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। जनरल इंश्योरेंस केम टू इंडिया विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन द ईयर 1850। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन कैलकटा। ठीक है, पॉइंट ये कह रहा है कि 1850 में भारत में पहली बार ब्रिटिशर्स ने एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम था ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसी कंपनी के साथ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की शुरुआत भारत में हुई थी इन द ईयर 1850। इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने कैलकटा में। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन द ईयर 1907 क्या हुआ था, इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड वॉज सेटअप। दिस वॉज द फर्स्ट कंपनी टू ट्रांसेक्ट ऑल क्लासेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। सन 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड सेटअप हुआ था, और ये पहली ऐसी कंपनी थी तो जो जनरल इंश्योरेंस का जो भी बिजनेस था ना, जनरल इंश्योरेंस में जो भी चीजें आती है ना, वो सारे के सारे बिजनेस से डील कर रहा था, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, चाहे वो थेफ्ट इंश्योरेंस हो, चाहे वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो। तो ये जितनी भी चीजें आ रही थी, ये सारा का सारा इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड जो 1907 में एस्टैब्लिश हुआ था, वो उसने डील करना शुरू किया, और ये भारत की पहली कंपनी थी जिसने सारे के सारे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में डील करना शुरू किया था। ठीक है, अगला 1957 में क्या हुआ था, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल वॉज फाउंड। इट वॉज अ विंग ऑफ इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल फ्रेम्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंश्योरिंग फेयर कंडक्ट एंड साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। 1957 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की को फॉर्म किया गया था। ठीक है, और ये इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक विंग था। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने बहुत सारे कोड और कंडक्ट फ्रेम किए थे जिसके बेसिस पे एक अच्छा जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस कंडक्ट किया जा सके बिना किसी चीटिंग के। ठीक है, एक अच्छा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को प्रैक्टिस में लाया जा सके इन कोड्स और कंडक्ट्स द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे 1968 में क्या हुआ था, जरा जानते हैं। द इंश्योरेंस एक्ट वॉज अमेंडेड विद एन एम टू रेगुलेट इन्वेस्टमेंट एंड सेट मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन्स। जो इंश्योरेंस एक्ट है ना, उसे अमेंड कर दिया गया था, और जिसका मेन एम जो था वो ये रेगुलेट करना था इन्वेस्टमेंट और मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन्स को। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक एक लिक्विडिटी लेकर के चला जाता है। सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी क्लेम आएंगे, क्या आप उन्हें पे ऑफ करने के योग्य हैं कि नहीं, काबिल हैं कि नहीं। अगर आप काबिल हैं तो एक आप सॉल्वेंट हैं, ठीक है, अगर आप काबिल नहीं हैं तो आप इनसॉल्वेंट हैं। इन्होंने बोला कि एक इंश्योरेंस एक्ट अमेंड किया गया जिसमें रेगुलेशन पास किया गया था जिसमें मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन को सेट किया गया। आगे कह रहे हैं, द टैरिफ एडवाइजरी कमिटी वॉज ऑल्सो सेटअप इन 1968। एक टैरिफ एडवाइजरी कमेटी को भी सेटअप किया था 1968 में। अब 1972 में क्या हुआ था, उसके चार साल के बाद 1972 और 73 में नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया। जो जनरल इंश्योरेंस था उसका नेशनलाइजेशन हुआ, 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिए तो नेशनलाइज हो गया। द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज बाय जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, जिसे GIBNA भी कहते हैं। जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया था वो नेशनलाइज हुआ था एक एक्ट द्वारा जिसे बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। ये एक्ट 1972 में पास हुआ था। हाउएवर आफ्टर दिस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 1973 विद द फॉर्मेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट के बाद क्या हुआ, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज होने के बाद 1 January 1973 में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। आगे कह रहे, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग सुपरिटेंडिंग एंड कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया। ठीक है, तो इसे फॉर्म किया गया था ताकि ये कंट्रोल कर सके, सुपरिटेंडिंग फंक्शन परफॉर्म कर सके, और बिजनेस को स्मूथली कैरी करने के लिए भारत में चीजें स्मूथली काम कर सके इसलिए।
फॉर दिस 107 इंश्योरर्स वर अमेलगमेटेड एंड ग्रुप्ड इनटू फोर कंपनीज नेमली। अच्छा, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए 107 इंश्योरर्स को अमेलगमेट किया गया और चार कंपनीज में फॉर्म किया गया। उन चारों कंपनीज के नाम हैं, पहला नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आगे कह रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे GIC भी कहते हैं, वॉज फॉर्म्ड इन परसुएंस ऑफ सिलेक्शन सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ GIBN। तो जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसे फॉर्म किया गया था तो GIBNA का जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 है उसके अंतर्गत, ठीक है। द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी इन 1971 एंड इट कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st जनवरी 1973। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेट हुआ था 1971 में एज अ कंपनी और उसने अपना बिजनेस 1st जनवरी 1973 से शुरू कर दिया। आगे कहा जा रहा है कि कॉमन डेवलपमेंट्स इन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो क्या कॉमन डेवलपमेंट हुआ लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में, आइए देखते हैं। 1993 में क्या हुआ था कि मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IRDA, IRDA के एस्टैब्लिशमेंट के लिए मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कीजिए, ठीक है। अब मल्होत्रा कमेटी क्या थी जरा देखते हैं। द गवर्नमेंट हैड सेट अप अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RN मल्होत्रा। गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की थी और जिनके चेयरमैन थे RN मल्होत्रा, और RN मल्होत्रा जी कौन थे, ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेक रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर्स। आपको मालूम है ना, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी तो बैंकिंग रिफॉर्म्स, हर एक चीज में नए नए रिफॉर्म्स आ रहे थे, इंडस्ट्रीज में नए नए रिफॉर्म्स आए थे। उसी वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RN मल्होत्रा जी को कहा था, RN मल्होत्रा जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रह चुके थे, उन्होंने उनको कहा गया था कि आपके चेयरमैनशिप में एक कमेटी फॉर्म की जा रही है जिसे मल्होत्रा कमेटी का नाम दिया जाएगा और आप इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए रिकमेंडेशंस देंगे, ठीक है। द मल्होत्रा कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1994। द रिपोर्ट पिच्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA एंड ऑटोनॉमस बॉडी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस सेक्टर। रिपोर्ट का जो असर हुआ उससे ये रिपोर्ट जमा की थी 1994 में और उस रिपोर्ट की वजह से जो रिकमेंडेशंस थे उसके बिना पे द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी थी जो भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को के बिजनेस को डेवलप करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी। फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ मल्होत्रा कमेटी IRDA वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1999। मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए IRDA का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1999। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 1999 और 2000 में क्या हुआ था। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 IRDA वॉज पास्ड, ठीक है। IRDA एक्ट 1999 में पास हुआ। द IRDA वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ स्टैचुटरी बॉडी इन अप्रैल 2000। जो IRDA है वो इनकॉर्पोरेट हुआ एक तरीके से स्टैचुटरी बॉडी अप्रैल 2000 में, ठीक है। विथ IRDA एक्ट 1999 कमिंग इन टू फोर्स द इंश्योरेंस इंडस्ट्री वॉज ओपन अप फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो जब IRDA एक्ट आया उसके पहले तो सारे के सारे पब्लिक कंपनीज काम कर रही थी एक हिसाब से। जैसे ही IRDA एक्ट 1999 में आया उसी के साथ क्या हुआ कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको एक मौका मिल गया कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में आकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड अमेंडमेंट टू GIBNA एंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938। IRDA एक्ट ने क्या किया था, GIBNA को अमेंड किया था और साथ ही साथ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में भी कुछ अमेंडमेंट लेकर के आए थे। एंड अमेंडमेंट इन GIBNA रिमूव द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ GIC एंड इट्स सब्सिडियरीज कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया। GIBNA में जो भी अमेंडमेंट आया उसके उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और उसकी जितने भी सब्सिडियरीज थे उनको जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे ना, जो भी एक हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से फायदे मिले हुए थे, जो भी सहूलियतें मिली हुई थी वो सारी की सारी हट गई। चलिए अब बात करते हैं और देखते हैं इन द ईयर 2000 में क्या हुआ था। द फोर सब्सिडरीज ऑफ GIC वर कन्वर्टेड इनटू इंडिपेंडेंट कंपनीज व्हाइल GIC वाज कन्वर्टेड इनटू अ नेशनल रीइंश्योरर। कहा जा रहा है कि इन द ईयर 2000 में क्या हुआ था कि जो चार सब्सिडरीज थी GIC की उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया था इंडिपेंडेंट कंपनीज में,
और जीआईसी को कन्वर्ट करके नेशनल री इंश्योरर बना दिया गया था, ठीक है, नेशनल री इंश्योरर बन गया था जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब री इंश्योरर क्या होता है, देखिए री इंश्योरर का मतलब ये होता है कि जब एक पॉलिसी होल्डर, जब कोई इंडिविजुअल किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराता है और वही इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी होल्डर का इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी से कराती है तो इसे कहते हैं री इंश्योरर। री इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, अपने पॉलिसी होल्डर्स का इंश्योरेंस किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से करती है फुल्ली या पार्टली, तो उसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं। यहां कहा जा रहा है कि व्हाट इज अ री इंश्योरर, री इंश्योरर किसे कहते हैं, री इंश्योरर कंपनी इज वन दैट इंश्योर्स द रिस्क ऑफ अदर इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। आगे एक बात बोली गई कि से हु प्रोवाइड्स इंश्योरेंस टू LIC। अब LIC को कौन इंश्योरेंस मतलब प्रोवाइड कराएगा, तो LIC जिससे इंश्योरेंस कराएगी तो वो LIC का क्या हो गया, री इंश्योरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 2002 में क्या हुआ था, जरा देखते हैं कि पार्लियामेंट पास द बिल डी लिंकिंग द फोर सब्सिडरीज फ्रॉम GIC इन जुलाई 2002। पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ जिसमें जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जितनी भी सब्सिडरीज थी उनको पूरी तरीके से डिलिंक कर दिया गया था GIC से। इन द ईयर 2002 जुलाई का महीना था। द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 केम इनटू फोर्स ऑन मार्च 21, 2003। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में पास तो हुआ था लेकिन उसने काम करना शुरू किया था 21 मार्च 2003 से। With the GIC ceased to be a holding company of its four subsidiaries, ठीक है। तो इसमें amendment में क्या हुआ था कि GIC को seize कर दिया गया था, वो अपनी holding companies जो भी उसकी चार subsidiaries company थी वो अब उनकी holding company अब नहीं रही। With this GIC ceased to be a holding company of its four subsidiaries, और आखिरी में कह रहे हैं also the ownership of the four subsidiaries of GIC and also the General Insurance Corporation of India was taken over by the government of India. तो चारों सब्सिडरीज का और GIC का दोनों का जो ओनरशिप है वो किसके पास आ गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गया उसी के साथ साथ, ठीक है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये एक हिस्ट्री आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, और इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि बिजनेस कैसे शुरू हुआ जनरल इंश्योरेंस वाला। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय।